हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है कि अजैक्स टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे यूज़ करनी है ASP.NET के अंदर। मगर यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो अजैक्स टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है और कैसे वो वर्क करती है। तो चलिए सबसे पहले मैं अजैक्स के बारे में आपको बता दूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी आपने लर्न की ही होगी, तो XML जो है वो भी HTML का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो है। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है और साथ में जो असिंक्रोनस वाली फैसिलिटी है उसको अटैच करके जो है टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसका नाम है अजैक्स। तो चलिए, अजैक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प के साथ जो है आप बड़ी ही फास्ट रिस्पांस वाली वेबसाइट्स या मोर इंटरेक्टिव वेबसाइट जो है डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये चार चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक XML का कम्बिनेशन है, एक HTML का कम्बिनेशन है, इसमें आप CSS भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो है जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अजैक्स जो है फेमस क्यों हुई है। तो पहला रीज़न ये है कि पूरी वेबसाइट को, अगर आप पूरी वेबसाइट के पेज के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप अपडेट करना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से कि आपका सारा जो वेब पेज है वो सर्वर को ना जाए, उसी पार्ट को सर्वर अपडेट करे जिस पार्ट में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, तो उस टाइम पे आपको अजैक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो पहला पॉइंट यही है, अपडेट ए वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज। पूरा पेज आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम ए सर्वर, सर्वर से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, चाहे आपका पेज लोड हो चुका है ब्राउज़र के अंदर, डेटा रिसीव कर सकते हैं सर्वर से और सर्वर को डेटा बैकग्राउंड के अंदर सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका आगे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग क्या है। पहले ये आपकी पूरी वेबसाइट का एक पेज है, आपने जो मॉडिफिकेशन करनी है वो जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं इसके अंदर करनी है। तो पहले मैं एक्शन एक क्रिएट किया, उसकी जो क्वेरी है वो सर्वर को सेंड की, सर्वर ने उसको रन किया और सर्वर ने वही पार्ट सेंड किया वापस जिसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ब्राउज़र ने आपकी पूरी जो वेब पेज है उसको रिफ्रेश नहीं किया, उसने वही पार्ट रिफ्रेश किया जिसमें आप मॉडिफिकेशन चाहते थे। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी है, स्पीड बढ़िया हो जाएगी आपकी वेबसाइट की, इंटरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप XML जो HTTP रिक्वेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, आप असिंक्रोनस कॉल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशंस लगा सकते हैं और इससे आपकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी अच्छी यूज़ होगी। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके अजैक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करने के। तो चलिए आपको एक रनिंग एग्जांपल के थ्रू टीच करवा देता हूँ कि अजैक्स बेसिकली क्या है और कैसे वर्क करती है। तो मेरे पास ये सेम एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं, एक में मैंने अजैक्स नहीं यूज़ की और एक में मैंने अजैक्स यूज़ किया है। तो अगर मैं नहीं यूज़ करता अजैक्स उस टाइम पे क्या होगा, अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करवाऊँ तो जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो वेब पेज है, ये देखिए ये पूरा वेब पेज है जो वो सर्वर को सेंड होगा और उसके बाद में पूरा ही वेब पेज है रिट्रीव होगा और नई वैल्यू हमारे पास आएगी जो होगी 9 5 4 4 का कम्बिनेशन। तो अगर मैं अजैक्स यूज़ कर लेता हूँ उस टाइम पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ और जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा जो वेब पेज है वो सर्वर को नहीं जाएगा। मेरा जो रिज़ल्ट है बेसिकली लेबल के अंदर अपडेट होना था, इसीलिए जो सर्वर है वो मेरे लेबल को ही अपडेट करेगा जिसके अंदर मैंने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो इस केस में जो है पूरा वेब पेज नो अजैक्स के अंदर पूरा वेब पेज सर्वर को जाएगा और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करेगा सम करने के लिए और सारा वेब पेज वापस आपके ब्राउज़र को सेंड करेगा। तो अजैक्स अगर आपने यूज़ की है तो उससे क्या होगा, आपकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो सर्वर को सेंड होंगी, सर्वर उनको सम अप करेगा
और ओनली जो आपका लेबल है उसको ही रिफ्रेश करेगा, उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, ना कि पूरे का पूरा वेब पेज। तो इस तरीके से जो है आप अजैक्स को यूज़ करके काफ़ी काफ़ी अच्छी जो वेबसाइट है वो डेवलप कर सकते हैं। तो आगे जो ट्यूटोरियल मैं ऐड करूँगा अपने चैनल के ऊपर वो इसी के रिगार्डिंग होंगे कि अजैक्स टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स जो हैं आपने कैसे डेवलप करनी है और कितने इजी वे के साथ जो है अजैक्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के अंदर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि आप अजैक्स के रिगार्डिंग कैसी वीडियो ट्यूटोरियल चाहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें।